चुके हैं बिहार वाला और मैं हूँ मिथुन कुमार। दोस्तों अभी सीतामढ़ी जिला क्या उत्तरी बिहार सहित पूरे बिहार में दोनों आदमी का एक गाना है जो हम भी देखे हैं, तो सोचे ये लोग से मिलना बड़ी जरूरी है। अब मिलना इसलिए जरूरी है कि ये लोग का गाना है कि ढोरी में काका खीर पूरी खैबल राजा अमर हो जाइबा। तो हमको भी आश्चर्य लगा कि आखिर कौन सा ढोरी में लोग खीर पूरी खाएगा जो अमर हो जाएगा। हर कोई इस दुनिया में अमर होना चाहता है, इसीलिए हम इनसे मिलने आए हैं। इनका नाम है सुजाता मिश्रा और विस्तृत बातचीत भी होगा कि आखिर ऐसा गाना क्यों गाते हैं, क्या कारण है और ढोरी में खीर पूरी लोगों को क्यों खिलाते हैं। गाना हम दिखाना नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसे लोगों से मिलना जरूर हम पसंद करना चाहते हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं इनसे बातचीत करके। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, जितने भी दर्शक देखने वाले सुनने वाले सभी को नमस्ते और प्रणाम। मेरा नाम सुजाता मिश्रा है। और आपका भाई साहब? मेरा नाम हुआ पंकज जसवाल। आप ही दोनों आदमी का वो गाना है ना? जी जी, होटल में शूट कहीं हुआ है लगता है। जी है? क्या गाना लिख के कौन दिया कि आपको शर्म उरम नहीं लगा गाना गाने में? देखिए गाना कोई खराब नहीं होता है। आप गाने देखिए, मार्केट में जो गाना बजता है जो दिखता है वही बिकता है, और जो देखने ना करेगा तो बिकेगा कैसे? मार्केट में जितना है वो अश्लीले गाना गाती है। ऐसे का है, ऐसे मत बोलिए कि जो दिखता है वही बिकता है। अब आप कह रहे हैं उस गाना में कि ढोरी में खीर पूरी खाई बा, हर गाना का भोजपुरी में भी कोई ना कोई तर्क देता है, तो आप किस हिसाब से उसमें बहुत आगे हम बोलना नहीं चाह रहे हैं कि अनार दबाई बा, उसके बाद क्या बोलते हैं छोरी खोल बा, ये सब है, ये सब ढंग का गाना गाना थी। बताते हैं आप तो यही बात बोल दिए तो सही बात बोले हैं, कहे कहे कि आप गलत कहे बोलते हैं। पेट जो होता है ना, ये ढोरी जो है पेट है, माँ का इनार है, और खुद अपने लिए नहीं हम काम करते हैं, अपने बच्चे के लिए काम करते हैं। मेरा वीडियो देखे हम इतना, आप ही लोग कहते हैं आप बच्चे के लिए काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, आप चलो आप कहते हैं बच्चे के लिए काम कीजिए, तो बच्चे के लिए आप कुछ भी कर लेंगे क्या? आप जो बोलते हैं बच्चा के लिए कुछ भी कीजिए। मैं किसी के साथ गलत काम नहीं की, मैं अपना बोली निकाली हूँ, मेरा वर्ड है जो वो गाना हम गाए हैं। तुम किसी से हाथ फैलाते हैं कि हो बाबा वो दे दा, वो आज तो हम भूखे हैं तो कोई देता है हमको? बढ़िया बढ़िया गाना गा के भी लोग वायरल होता है। बढ़िया गाना गा के कोई वायरल नहीं हुआ है, जो है ढोरी चोली। आपको उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं कि बढ़िया गाना में भोजपुरी से लेके हिंदी से सहित मैथिली में भी बहुत ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो मिलियन नहीं मिलियन के मिलियन करोड़ों में उनका सब्सक्राइबर और व्यूअर है। उदाहरण के तौर पर हम मैथिली ठाकुर से शुरू करते हैं, पूनम मिश्रा तक आ जाइए, जूली झा पर आ जाइए, उसके बाद भोजपुरी में हेमा पांडे वगैरह, दुनिया बहुत सारे ऐसे गाना के जो कलाकार है जो अच्छे गाना गाते हैं, लेकिन हम इनसे ही जानना चाहते हैं। चलिए इनका अपना फरमाइश है तो यही गा के अब आपको वायरल होना है ना? देखिए आप ये बात जो बोले हैं तो इनका भी हम जवाब देते हैं। मैं अच्छा वीडियो डालती हूँ, ब्लॉग डालती तो मेरा नहीं चलता, उससे मेरी तय मेरे पंडित जी ने पीछे से की, आप क्या किया उन्हें है उसको कुछ नहीं है, सारा एकदम मिलियन पार हो जाता है। पंडित जी किनको बोलते हैं? आप अपने पति को? पति के बारे में बोले हमें भाई, किसी के और के बारे में? आप तो सुनते हैं कि आपसे दुगुना उम्र के आदमी है। देखिए मेरे लिए 16 साल के, आपके लिए कहीं दुगुना होगा, मेरे लिए तो भगवान है कोई। देखिए मेरे बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं भाई, मेरे पति उत्ती के बारे में नहीं बोल सकते, मेरे पति देवता है और मेरे देवते ही समान है। कौन ऐसा पति देवता है सौर्य जी से शादी कर लिए? सुनते हैं प्यार प्यार नजरिया देखता है, उमरिया थोड़ी देखता है, हम नजरिया से सौर से शादी कर लीजिएगा तो नजरिया नजरिया हो गया ना। हमको प्यार हुआ, प्यार उनसे हुआ तो हम कैसे देखे हम आपको दुनियादारी को, हम तो कभी देखते ही नहीं। तो देखने के समय आप जो प्यार हुआ तो नहीं देखे कि हमारे सौर है, हम इनसे पढ़े हुए थे? हम अपना फायदा के लिए शादी किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम बनअच्छर टाइप के लड़के हैं, बहुत हम अल्टर है, मुझे किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता है। मैं घर में कोई मेरे गांव का देखता होगा वो जरूर जानता होगा कि मैं कैसी बदमाश हूँ, और मुझे चाहिए शांत सवरता, जो दूसरा मेटा मारवो करे तो आराम से। यानी बदमाशी करके गंदा गाना गा के वायरल होना है हमको किसी तरह? वायरल ये बात आप कहते हैं, कोई खाना हमको देता है? कौन देता है? नहीं, हम भी कहाँ आए हम आपको खाना देने, हम भी तो आए हैं कि आप ऐसा गाना गाए तो जानते हैं कि आगे कैला ऐसा गाना गाते हैं। मैं जब वायरल हुई ना तो मेरे घर में चोरी हो गया, कौन मुझे 2 रुपया दिया है बताइए, तो कौन दिया है? मैं नून रोटी खा कर अपने बच्चे को कभी पाल के तो पानी पी के रह जाते हैं, किसी को नहीं कह रहे। हाँ मेरे समाज मुझे साथ देता है, ये बात सत्य है, मेरे समाज कभी कलेम नहीं ठोका है। आप किसी समाज से पूछ लीजिएगा सुजाता मिश्रा के घर जाना है तो सबसे पहले बोलेगा, ये नहीं कहेगा, वो कहेगा कि यही इसी गांव के हैं। बहुत लोग कहता होगा कि कुछ काम धंधा करके भी आप अपने परिवार को चला सकते हैं, आप मान लीजिए नवयुवक है
लेकिन इस ढंग के गाना गाने तो लोग कुछ देखते हैं, कमेंट भी बोलते रहते हैं, तो इस ढंग के उन लोगों को क्या कहिएगा आप? उन लोग कहता है कि कमा सकती है, खा सकती है, गंदे गंदे गाना गा के या ऐसा ऐसा करके नौटंकी करके का है करती है। गाना सुने, मुझे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसे गलियों में लाके दिल तोड़ा। तो हम मेरा जो है ना मुँह के फेसियत देखिए कि आप समझ जाइए कि हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं, बस हो गया। मेरे पति ऐसे है, अभी का जमाना बहुत खराब चल रहा है, ठीक है, किसी इसी के साथ रहेंगे उसी के साथ रहेंगे तो 12 रंग के बाद पति साथ देता थे ही ना, दूसरा आदमी अगर साथ ना देता मेरे पति तो बहुत रंग के कर, इसीलिए छोड़ दीजिए उस सब का बात। अब आपके गाना का इसका हीरो ही है जी, मेरा टीके स्टार हीरो है, ठीक है। इनके किसी का बदौलत होता है ना, इनके ही बदौलत हम आगे बढ़े, हमको कोई नहीं पहचानता, इनको सब पहचानता। तो उस गाना में तो खाली आप बोले हैं कि ढोरी में खीर पूरी खइबा, छोरी खोलवइबा, अनार दबइबा, लेकिन आगे कुछ तो दिखाया सुनाए नहीं है, खाली इनसे आप वो जो है सो मेरे साथी रहते हैं, मेरे साथी। आप देखिए आपका मन का भावना तो नहीं जानते हैं, वैसे मेरे पंडित जी इतना उम्र के बहुत दुनिया कलेम ठोक सकता है या आप इसके साथ कहे रहते हैं। तो मेरे साथ पहले तो मैं किसी के साथ नहीं रहती थी और अभी भी किसी के साथ नहीं रहती। तो पंडित जी बोलते नहीं आपके कि नवयुवक के जोड़े आप कहे रहते थे? पंडित जी काहे बोलेंगे, कोई नहीं बोलता है, काहे कौन काहे बोलेगा, पंडित जी जानते नहीं है कि मेरी बीवी कैसी है, बताइए जानते हैं, इसीलिए आपको छुट्टी हो गई ना, आप ही बताइए, इनका अपना शादी होगा। अच्छा आप ऐसे बोलिएगा कि इनका गर्जियन हो, हमें पकाए करने के शुरू कर दे, टॉर्चर करने लगे कि हो सके कौन ठीक है, कोनो आदमी पूछ सकता है, अभी जवान है, इभी जवान है, दोनों आदमी साथ में रहते हैं तो बोलेंगे नहीं लोग? देखिए मैं औरत हूँ, औरत का जो होता है ना, तो मैं औरत, मुझे कोई भी क्लेम ठोक सकता है, मगर मैं क्या हूँ मेरे पति जानता है, आप दुनियादारी जानते क्या कर, जब माई मियाँ भी राजी क्या करेंगे? अब क्या कीजिएगा, अब कौन गाना आने वाला है, कोई गाना आने वाला है क्या? होगा आप लोग अगर चाहे तो वही असली गाना गाएंगे, मैंने एकदम मन बना लिए हैं कि सुजाता मिश्रा असली गाना गाएंगे करेगी। हम साधु संत जैसे गाएंगे थोड़ी कि हो बाबू, हम साधु संत है ना बाबा, जो होगा कोई कोई बोलती है हम असली वीडियो नहीं बनाते हैं, हम तो बोलते हैं कि थोड़ी छवि। आप एक गाना गायक का नाम सुने हैं, स्वाति मिश्रा जिसका नाम है, राम आएंगे अंगना गाना गाई हुई थी अभी कुछ दिन पहले, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, तो सही में स्वाति मिश्रा का उसी में बहुत ऐसे जो है अभी बैठे हुए हैं लाइन में खड़े हुए हैं, बहुत ऐसे सीधे गाना ना गाते हैं, ट्रेक करवाते हैं उसका भी पैसा लगता है, स्टूडियो में गाते हैं उसका भी पैसा लगता है, गाना सीधे हो जाता है, सीधे भात चढ़ा दे चावल लाना पड़ता है, समझिए कि उसके लिए जरना लाना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, सब बोलते हैं गाना गा दिए गाना गा दिए, भाई गाना गाए हैं बात सही है। आप भाई साहब कहाँ से संदेश मिला कि मैडमे के साथ बनाना है, छोरी खोलना है, अनार दबाना है, कैसे आप सोचे और कैसे बनाए? हम लोग बहुत दिन पहले से काम करते थे, ठीक है, तो मन में आया कि एक गाना अच्छा बनाया जाए, तो अच्छा गाना भी बनाया है तो अच्छा गाना सुने नहीं है, इनके साथ अच्छा गाना भी है, छठ का गाना है, ऐसे दुर्गा पूजा गाना तो कोई नहीं सुनना पसंद किया, सोचे कि देखते एक असली गाना गाकर तो यही गाना गाए, तो इस गाना से थोड़ा पहचान मिला हम लोग को। अब बिहार की जनता को हम क्या कहें, बिहार की जनता भी ऐसे ही हो गई है कि अब उसको जो है सो मीट मसाला मिर्ची मसाला वाला कहते हैं ना, वही गाना वो लोग भी देखते हैं, कभी चोली खोला हो तो कभी ढोरी खोला हो और कभी ये दबावा वो दबावा वाला, यहाँ के जनता को भी अब पसंद होने लगा है, लेकिन इसको रोकने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि लोग उसी से वायरल होता है, तो लोग भी चाहता है कि हम उसी गाना को बजाए, ऐसे कलाकार इन्हीं पर हम नहीं इल्जाम लगाते हैं, ऐसे बहुत भोजपुरी में कलाकार है, उदाहरण के लिए तानिया झा को देखिए, बहुत सारे ऐसा कलाकार है जो यही सब करते हैं, तो ये शिक्षा कहाँ से मिला कि जहाँ की जो हवा हमको इन्हें गाना गाना है? देखिए शिक्षा की बात नहीं कही, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे इंसान के घर के हैं, कोई कुत्ता भी लाएगा घर के ना है, जैसे शिक्षा बोलते हैं, कोई भी माँ बाप होता है ना बोलता है कि मेरी बच्ची अच्छी तरीका से रहेगी, अभी ये ना कहिए शिक्षा शिक्षा की बात नहीं कही, मेरे घर में कोई बहुत अच्छे अच्छे घर का दो आखिर दिमाग में आपको कहां से आया कि अब हमको हेले लगाना, मुझे कोई खाने के लिए नहीं देते माँ बाप, भाई बाप क्या है, जब शादी होने के बाद में भाई बाप क्या कितना दिन साथ देता है, 6 महीना साल भर और जिंदगी भर साथ देगा, हाँ मेरे पति साथ देंगे, जब तक है तब तक साथ देंगे, मेरा भी भविष्य है, मैं भी एक औरत हूँ। तो आप इस पंडित जी से शादी किए थे तो आपका पारिवारिक में जो लोग है वो खुश थे? देखिए मेरे मैं हम पंडित जी से शादी किए तो मेरे पारिवारिक लोग नहीं खुश थे, क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि तुम अभी 13-14 साल की है तो हम 17-18 साल के लड़का से शादी करें, मगर हमको प्यार हो गया उनसे तो हम क्या हम मुँह खोल के बोले शादी का कितना साल हो गया लगभग हो गया काफी दिन हो गया है।
तब पंडित जी कितने साल के रहे होंगे, फिर भी आपसे ज्यादा रहे? नहीं, बहुत काफी उम्र। अरे देखिए, जंगल का सरकार था, वो लालू का सरकार था, नौकरी नहीं हुआ, वैसे लोहे किए हुए, वकालत किए हुए, ये ना कहिए कि वो एडवोकेट किए हुए, पढ़े लिखे इंसान है, वही हमको पढ़ाते, ये ना कहिए कि हम अपना भविष्य के। अच्छा, बहुत लोग जानना चाहता है कि पंडित जी का पहले से शादी हुआ था कि नहीं हुआ? नहीं, उसका उनका शादी भी नहीं हुआ, मैं पहली बीवी हूँ और मैं पहले ही रहूंगी। तो देख लीजिए, इनसे हम मिलने आए हुए थे, हम भी सोचे कि इनसे आखिर बात किया जाए कि काहे ही बनाते हैं ढोली वाला गाना ये सब, तो इनसे हमने सिर्फ इतना ही जानकारी के लिए आया है। आप लोगों को कैसा लगा? और ये गाना गाती है, इनका चैनल भी है, कौन सा चैनल है, लोग अगर सर्च करेगा तो क्या कहेंगे? सुजाता मिश्रा सीतामढ़ी, उस पे जाके सर्च कीजिए, इनका भी है, पंकज जसवाल 01, हम दोनों का वीडियो एक ही मेरा मतलब लोडिंग होता है, एक ही जैसे चैनल है। और आप लोग दोनों पर प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, यही आप लोग सुनकर बोलते हैं और आप लोग सुन लीजिए। तो बहुत न्यूज अखनी आ रहा है आपके यहाँ लेने कि जो हाँ भाई वो खीर पूरी वाला गाना के चलते आपको लेने आ रहा है तो उसमें कैसा लग रहा है आपको कि आपको जो वायरल हो गए हैं, लोग खीर पूरी को खिला रहा है, बहुत आदमी आया है पूछता है आपसे कि कैसे खिलाए, ढोरी है कि इनार है आपका, इसमें कैसे खाना खिलाए, लोग को क्या कहते हैं? देखिए, कोई हमको खाना देता है, बताइए, कोई हमको खाना सिर्फ एक ही जवाब है कि कोई खाना हमको नहीं देता है, हमको जो मर्जी होगा सो करेंगे। नहीं, मेरे गार्जियन साथ देता, वैसे ऐसे थोड़ी होता है कि जो मर्जी, ये बात नहीं, हम औरत है, मर्जी नहीं दिखाइए, औरत जो होती है ना सब कुछ देखती है, समाज पति बच्चे सब देखते, मर्जी की बात नहीं कही है, अभी भी हम तो ऐसे थोड़ी बहकल है, जैसे जो मर्जी आप बहकल नहीं है तो सुनिए सुजाता जी, आप बोलिए, आपका जवाब हम दे रहे हैं, आप पहले एक बात सुन लीजिए, आप जो है बोलना है डायरेक्ट बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? आप हम कह रहे हैं कि इस बार अपनी ढोरी में गाना गाए हैं, अगली बार कुछ और कहिएगा, व्यू नहीं चला तो कुछ और गाइएगा, तो इसका मतलब क्या? हम ढोरी में गाना गाए हैं, दर्शक देखबे करते हैं, मेरा घर द्वार दिखा दीजिए कितना अच्छा है, आज हम साल भर से बिल्कुल इनका घर एक बार घुमा दिया जाए कैमरा की, देखिए कि इनके घर को देखिए, इनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, इनसे सिर्फ सवाल इतना ही पूछना चाह रहे हैं कि जो मर्जी आएगा वही गाएंगे क्या? ऐसा नहीं बोलिए, जो मर्जी होगा नहीं, दर्शक पसंद है तब ना, दर्शक अरे देखते हैं, जो साया उठा के दिखा देती है, चोली खोल के दिखा देती है, कितना क्या देगा झांप लगाने, हम नहीं जाएंगे, लेकिन अपना आदमी को सोच तो होना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ नहीं, सब हम देखते हैं, जिसका जितना गंदा वीडियो रहता है ना उतना लाइक मिलता है। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा इनके बातों से जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो इन्होंने अपना चैनल का नाम बता ही दिया है, जरूर आप लोग इनको देखिए और सर्च कीजिए कि ये कैसे गाना गाते हैं,